नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। डिजाइन में बदलाव के साथ नागर शैली में अलौकिक होगा राम जन्मभूमि मंदिर। देश में कोरोना केस 15 लाख के करीब, 24 घंटे में 47,704 नए केस। भारतीय अधिकारी के पत्र को लेकर नेपाल में मचा हंगामा, बताया अपमान। बिहार के समस्तीपुर नाव पर सवार 6 लोग बिजली के तार से चिपके, कई लोग पानी में बह गए। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू, 30,000 लोगों पर होगा टेस्ट। शो भाखरवाड़ी के कर्मचारी की कोरोना से मौत, 8 लोग पॉजिटिव। गोरखपुर किडनैपिंग में 5 गिरफ्तार, एनएसए लगाने की तैयारी में सरकार। बिहार में 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ सकता है बाढ़ का संकट। प्रियंका चोपड़ा बनी चाची, गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार सोफी ने दिया बेटी को जन्म। यूपी में लेडी कांस्टेबल ने लगाई दारोगा जी की क्लास, आईजी ने की तारीफ। कोविड वैक्सीन के बाद भारत ब्रिटेन ने 5 और प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया। अरब सागर में हलचल से टेंशन, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारे सरकार। गुरुग्राम में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। राजस्थान के नए कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कल संभालेंगे पद। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1610 नए मामले, 9 लोगों की मौत। कानपुर मामला, जय वाजपेयी की आईटी और ईडी करेगी जांच, गृह विभाग ने भेजा पत्र। देश भर में पिछले 2 दिनों से हर दिन 5 लाख से ज्यादा हुए कोरोना टेस्ट। गोरखपुर अपहरण कांड में पीड़ित परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए केस, अब तक 384 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के केस में बड़ी कमी, एक दिन में सिर्फ 613 नए केस। यूपी के कासगंज में तेहरे हत्याकांड के बाद हटाए गए सोरो कोतवाली प्रभारी रिपु दमन सिंह। एक्टर मिशेल रहेजा का बिग बॉस 14 में जाने से इनकार, कहा मैं खुद अपना बॉस। बारिश ने धोया 4th दिन का खेल, सीरीज जीत के लिए इंग्लैंड का इंतजार बढ़ा। कोरोना से क्रिकेट अव्यवस्थित, टल सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल।